लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सीएम योगी को पद से हटाए जाने का दावा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली में जो कहा था उस पर किसी भी भाजपा नेता की टिप्पणी नहीं आई है। योगी का पद से हटना अब तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की 220 से भी कम सीटें आने जा रही हैं। हर जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं और अब इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। योगी को हटाने की बात पर बीजेपी के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। योगी जी का हटना अब तय है। अगर यह लोग जीत गए तो 2 से 3 महीने में योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। योगी आदित्यनाथ ही इनके लिए कांटा बन सकते हैं, इसलिए अब उन्हें भी हटाने की तैयारी है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, देश का जो माहौल है, 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी कि उसकी 143 सीटों से भी कम आ रही है, 543 सीटों में से 400 घटा दो तो 143 सीटें बचती हैं और वो 143 सीटें ही दिख रही हैं। देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अखिलेश ने कहा, इन्हें यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उलझा जाएंगे। हमें संविधान बचाना होगा। बीजेपी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं। इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने वाली है। अब लग रहा है कि हारने के बाद ये झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन वहाँ खुद पहुँच जाएंगे। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के, तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400, क्यों? तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। मैं अंत में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के, यहां पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो जहां से कैंडिडेट है उसको भारी मात्रा में वोट देकर आप सब लोग जिताइए। लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सीएम योगी को पद से हटाए जाने का दावा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली में जो कहा था उस पर किसी भी भाजपा नेता की टिप्पणी नहीं आई है। योगी का पद से हटना अब तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की 220 से भी कम सीटें आने जा रही हैं। हर जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं और अब इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। योगी को हटाने की बात पर बीजेपी के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। योगी जी का हटना अब तय है। अगर यह लोग जीत गए तो 2 से 3 महीने में योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। योगी आदित्यनाथ ही इनके लिए कांटा बन सकते हैं, इसलिए अब उन्हें भी हटाने की तैयारी है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, देश का जो माहौल है, 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई है। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी कि उसकी 143 सीटों से भी कम आ रही है, 543 सीटों में से 400 घटा दो तो 143 सीटें बचती हैं और वो 143 सीटें ही दिख रही हैं। देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अखिलेश ने कहा, इन्हें यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उलझा जाएंगे। हमें संविधान बचाना होगा। बीजेपी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं। इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने वाली है। अब लग रहा है कि हारने के बाद ये झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन वहाँ खुद पहुँच जाएंगे। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही है। क्या 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है।
रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं।